तू ना बनाते रह। नमस्ते, जय श्री केदार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संगीराज ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग में तुंगनाथ घाटी के सुंदर से गांव करोची से कर रही हूँ। तो मैं कल शाम को अपने मायके आ गई थी और मायके आने का तो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम बहुत रात को आए। तो ये है सुंदर सा गांव करोची। तो ये है हमारा घर, यहाँ से दिख रहा है ये। तो ये आगे पुरानी स्कूल है। तो ये सबसे पुरानी स्कूल है और ये यहाँ का फील्ड है। तो मैं चलती हूँ फील्ड में और यहाँ से दिखाती हूँ गांव का सुंदर सा नजारा। तो ये है पूरा गांव और इसके पीछे है ऊपर देवरिया ताल है, इसके पीछे टॉप में। और यहाँ फील्ड में जब हम छोटे हुआ करते थे तो खेलने आते थे। फील्ड में आ गई हूँ और ये देखिए कितना प्यारा सा नजारा है यहाँ का। तो आज लगभग मैं यहाँ पे 10 साल बाद आई हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा और पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई है। और ये देखिए जो ये मेरे पीछे है वो तुंगनाथ घाटी है और ये सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पे ये बच्चों का आंगनबाड़ी स्कूल है और ये बच्चे भी खेल रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। ए बेबो कुछ बोल रही है? नहीं, नहीं ये छोटी ब्लॉगर मेरे साथ। हाय हेलो बोल। और ये है बड़ी वाली, देखो क्या कर रहे हैं यार। तीनों क्या कर रहा? तो ये सारे बच्चे जा रहे हैं, मेरी भतीजियाँ तीन और मेरे दो बेटे, तो सारे लगे हैं रास्ते। ये है मेरी मम्मी और ये है पापा। तो हम आ रखे हैं यहाँ आगे घूमने। तो ये मैं अपने मायके वाले घर में हूँ और ये है जहाँ बादल लगे हैं तुंगनाथ। और रात को बहुत भयंकर बारिश हुई थी और तो चारों ओर बादल भी अच्छे लग रहे हैं। और आजकल ज़्यादातर लोगों ने नीचे धान की खेती करी है और नीचे मंडुआ। तो ये है सुंदर सकरोखी गांव। और ये मम्मी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खेतियाँ करी है और पापा को बहुत शौक है औषधियाँ लगाने का, तो बहुत से पेड़ तो ये औषधि के रूप में लगाए हैं। और ये भाई ने ये जो गुलाब का पेड़ है उसी से ही गेट बना रखा अच्छा सा। तो ये है हमारे नीचे माल्टे के पेड़, तो इन पे बहुत ज़्यादा माल्टे लगे रहते हैं। ये देख सकते हैं चारों तरफ ये माल्टे के पेड़ हैं ये सारे। और उधर जो गांव है वहाँ भी ज़्यादातर माड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। तो ये है मक्कूमठ। आज मम्मी ने मेरे बालों में लगाई है मेहंदी और काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी के साथ तरीके से लगाई। थैंक यू, धन्यवाद। तो शाम के 5 बज गए हैं और मैंने जो मेहंदी लगाई थी वो भी धो दी है
और अब मैं चलूंगी नीचे, जो मम्मी ने किचन गार्डन बनाए हैं, बीन्स लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको निकालने जाऊंगी और देखती हूँ क्या क्या सब्जियाँ हो रखी है। तो अब यहाँ बीन्स ही बोए हैं और इनके ये लगाए हैं जिससे ये ऊपर जाए। तो ये देखिए यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बीन्स ली गई हैं, तो मैं आज सब्जी के लिए निकालूंगी इनको। तो ये गढ़वाल में ये राजमा होती है बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी होती है ये, तो मैं यहाँ नीचे जो खेत है वहाँ से भी निकालूंगी मैं। नींबू का पेड़, तो इसको बड़े बड़े नींबू लगे रहते हैं, इतने बड़े वाले। यहाँ पे लंगड़े होते हैं, लंगड़े भी लगा रखे हैं। और ये है कद्दू की बेल, तो कद्दू भी यहाँ बहुत अच्छे वाले मीठे होते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं संगीता मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री केदार।